जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो इवनिंग में बात हुई आयुक्त साहब से, तो आयुक्त साहब ने बोले कि इसको पिछले आंदोलन को आप दूसरे दिन मिलने आओ शाम में। तो जो उम्मीद लेके आए थे वो उम्मीद से ज़्यादा ही उन्होंने हमको खुश किया। उन्होंने कहा कि ऑफिस क्यों चाहिए उसकी वजह बताए, क्योंकि हॉस्पिटल में वो जगह कम गिर रही है कि ब्लड चेक करना है वगैरह वगैरह कुछ है, वजह से एक ही जगह पे सब होगा तो अच्छा रहेगा, हम ऑफिस भी वहाँ शिफ्ट करेंगे। और आपका जो मांग है कि दो हॉल थे, ग्राउंड फ्लोर पे नॉन एसी और फर्स्ट फ्लोर पे एसी, तो वो नॉन एसी और हम एक फ्लोर बढ़ा के जो हॉल का भी दो हॉल थे वो भी रखेंगे और ऑफिस भी रखेंगे। ऐसा उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया और बहुत जल्द ये काम करेंगे। हमको ये बात की खुशी हुई कि उन्होंने हमारी मांग माने और पूरी हुई। देखिए, आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, एक्चुअली मीटिंग पॉजिटिव थी हमारी बहुत। सर से हमने बात रखी कि एसी हाल और नॉन एसी हाल दोनों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम उसका समाधान निकालेंगे और जो भी तरीका होगा उसको हम करके हम दोनों तरीके के हॉल की फैसिलिटी देंगे। बात दरअसल ये है कि उनका ये कहना था कि चूँकि बीएमसी के ऑफिस की जगह भी की दिक्कत आ रही है, हमको बीएमसी का ऑफिस भी चाहिए वहाँ पर, कॉरपोरेशन का ऑफिस, लेकिन साथ साथ हम वहाँ पर जो समाज की ज़रूरत है कम्युनिटी हॉल, एसी नॉन एसी दोनों करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि एजाज खतीब साहब ने जो एक मुद्दा उठाया समाज को जागरूक करने के लिए और अधिकारी तक अपनी बात पहुँचाने की जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, आज उसी आवाज़ की एक आगे की कड़ी है कि इन्होंने इस काम को लिया। और मैं समझता हूँ कि समाज में एजाज खतीब साहब ने जो काम लिया है मुबारकबाद के लायक। एजाज खतीब साहब, हम इसकी परवाह नहीं कर रहे ये किस पार्टी में है, क्योंकि इनका जो काम है ना वो समाज का काम है। अगर बीजेपी का आदमी उठाता है या कांग्रेस का या एनसीपी हो या शिवसेना हो, कोई पार्टी का आदमी उठाएगा हम उसके साथ खड़े हैं अगर वो समाज के लिए काम करा। हम यहाँ पार्टी के लिए नहीं आए थे, हम समाज के लिए आए थे। तो अगर एजाज खतीब ने यह काम उठाया है तो यकीनन हम सब लोग समाज के लोग, क्योंकि हम भारतीय की तरफ से हम लोग आए हैं। हम भारतीय, आपको पता है, सामाजिक संस्था बहुत बड़ी मीरा भाईंदर के अंदर, तो उसकी तरफ से हम लोग आज मिलने आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और आज की मुलाकात से बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है और हमें लगता है कि एजाज खतीब जो आवाज़ उठाई है ये आवाज़ कामयाब होगी और मीरा भाईंदर के लोगों को ये कम्युनिटी हॉल वापस मिल जाएगा। इकबाल राजपूत जी, आप क्या कहेंगे, एक अच्छा प्रतिसाद मिला मनपा आयुक्त से मिलने के बाद, क्या कहेंगे? मनपा आयुक्त के साथ मिलने के बाद हम लोगों ने जो उनके रिस्पॉन्स मिली है वो रिस्पॉन्स हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पॉजिटिव रही। उन्होंने बोला कि हम इसको पॉजिटिवली लेंगे और हम इसका सलूशन निकालेंगे जहाँ पर दोनों चीज़ें रहेंगी, और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया और वाकई इस चीज़ की ज़रूरत तो है यहाँ पर, तो दोनों चीज़ें कामयाब हो गई। हमने उनसे कहा कि भाई हम आपके कार्य में हम पूरी तरह शामिल हैं, जो सपोर्ट हमारे एनजीओ कर सकते हैं हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपके अच्छे कामों में, आपने अच्छा काम किया है, हम सब बहुत ही आभारी हैं उसके। क्या कहेंगे आज की इस मीटिंग में? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि एजाज खतीब साहब ने जो मुद्दा उठाया था एके फाउंडेशन के अंडर में वो कामयाब रहा, और कमिश्नर साहब ने बहुत ही दिलचस्प बातें की, स्पेशली खसूसियत से वो प्रोग्राम उन्होंने वाजे किया जो उनके जहन में था कि अगर आप लोगों की ज़रूरत वो कम्युनिटी हॉल है तो हमारी ज़रूरत भी मेडिकल को लेकर कुछ है, जिसकी वजह से हम जो हमने उनको मुद्दा दिया था कि आप कम्युनिटी हॉल पे जो ऑफिस बना रहे हैं उसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, जो दो माले आप वहाँ बढ़ा रहे हैं इंदिरा में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ हम पैथोलॉजिकल लैब डाल रहे हैं, उसके लिए हम वो दो फ्लोर एक्सटेंड कर रहे हैं और हम यहाँ पे ये कम्युनिटी हॉल की जगह पे एक फ्लोर एक्सटेंड करके हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो, आपकी डिमांड भी पूरी हो और हमारा काम भी चलता रहे। तो हमें बड़ी खुशी हुई और हम इस सिलसिले में ख़ास तौर से एजाज खतीब को बहुत मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने पब्लिक के फ़ायदे के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए अपने आप को भूख हड़ताल पर रख कर अपने आप के कुर्बानी देकर एक दिन की और इस मुद्दे को उठाया और कामयाबी से इसको हमकिनार किया। मैं आपके माध्यम से हम भारती की जित पूरी टीम उसका शुक्रिया अदा करूँगा। इकबाल महाडिक जो मेरे बड़े भाई जैसे, डॉक्टर अजीमुद्दीन जी और उनकी पूरी टीम, और हाफिज़ भाई सकलेना ट्रस्ट के या मीरा रोड के जिम्मेदार और उनकी टीम, और मेरे तमाम साथी दोस्त लोग, और जिन जिन लोगों ने मुझे उस हौसला अफजाई किया उस दिन, काफ़ी लोग थे, सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे ये बात की खुशी है कि काफ़ी लोग इतना दूर मुझे आके हौसला अफजाई उन्होंने किए मेरी। और हमारे एक्स MLA नरेंद्र मेहता जी, एक्स महापौर डिंपल मेहता जी और कई नगर सेवक भी आए थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ये आज जो अल्लाह ने हमको कामयाबी दी है ना, तो
सबकी मेहनत है उसमें, और दुआ है जो नए आए उनका भी शुक्रिया अदा, और जो एक पार्टी उसको अपोज कर रही है उसका भी शुक्रिया अदा।